समंदर में उतर चुका है एक ऐसा जहाज जो टाइटैनिक से भी ज्यादा बड़ा है। यह जहाज इतना बड़ा है कि इसमें एक पूरा शहर ही समा जाए। इतना भारी भरकम और लग्जरी शिप के बनने का कॉस्ट जानकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। जितना खर्च इस शिप के बनने में हुआ है, उतने में तो किसी एक देश की अर्थव्यवस्था ही हिल जाए। इसमें मौजूद है ऐसो आराम की हर एक चीजें। इस विशाल क्रूज शिप का नाम है आइकॉन ऑफ द सीज। यह क्रूज शिप इतना बड़ा है कि वॉल्यूम के मामले में टाइटैनिक से भी 5 गुना ज्यादा बड़ा है और लंबाई के मामले में 35% ज्यादा लंबा। ये क्रूज जो आप देख रहे हैं, यही है दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप। अब आइए जाने लेते हैं कि इस क्रूज शिप को किस कंपनी ने बनाया है और इसके बनने में कितना खर्च आया है। इस क्रूज शिप को तैयार किया है फिनलैंड की एक कंपनी रॉयल कैरेबियन ने और इसे बनने में लगभग $2 अरब का खर्च आया है। आपको बता दें कि इस क्रूज शिप की लंबाई 365 मीटर है, जो कि टाइटैनिक से भी 96 मीटर ज्यादा लंबा है। वही टाइटैनिक जो अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया था। 20 मंजिला ऊंची बिल्डिंग के बराबर वाली आइकॉन ऑफ द सीज का कुल वेट 2,50,800 टन है। आइकॉन ऑफ द सीज पर एक साथ 5,610 पैसेंजर और 2,350 क्रू, यानी 7,960 लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं। सोचिए, यह क्रूज 6 एकड़ लंबे एरिया के बराबर है। यह क्रूज इतना बड़ा है कि इसमें छोटा शहर आराम से ही समा जाएगा। आइकॉन ऑफ द सीज किसी 5-स्टार होटल से तो कम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस क्रूज में ऐसो आराम की हर एक चीजें मौजूद हैं, जो आपका सफर यादगार बनाने के लिए काफी है। इस क्रूज पर 7 पूल और 9 व्हर्लपूल हैं। इसमें सबसे बड़ा वाटर पार्क भी है, जिसमें कुल 6 वाटर स्लाइड हैं। साथ ही इसमें स्विमिंग पूल, एक्वा पार्क, थीम पार्क, रेस्टोरेंट, ड्रिंकिंग और एंटरटेनमेंट के लिए 40 से भी ज्यादा ऑप्शंस हैं। इस क्रूज पर एक अल्टीमेट फैमिली टाउन हाउस भी है, जो रहने के लिए एक 3 मंजिला घर जैसा है। अब आइए बात करते हैं आइकॉन ऑफ द सीज के सफर की। यह क्रूज शिप 27 जनवरी को अपनी पहली यात्रा पर निकला है। जहाज पर सवार होने वाले पैसेंजर्स मियामी से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और बहामास, मैक्सिमो, होंडुरास सेंट सहित पूर्वी और पश्चिमी कैरेबियन के बंदरगाहों के माध्यम से इस शिप पर 7 रात बिताएंगे। आपको दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप आइकॉन ऑफ द सीज के बारे में यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर लिखें।